जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर दौरे पर हैं, कुछ देर पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य की जानकारी ली उन्होंने, उसके बाद अब इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुके देकर स्वागत किया गया। सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर है उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंच गए हैं और उनके साथ जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं वो भी उनके साथ महेंद्रजीत सिंह पोंछपुरा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के जो निदेशक समेत तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर पहुंचे। और अभी जो अलग अलग राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में जो स्टोर लगे हैं, जैसे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की जिसमें पंचक्रम चिकित्सा है, क्रिया शरीर है, इसके अलावा सिमुलेटेशन लैब, ऐसे जो तमाम जिस तरह से जो आयुर्वेदिक संस्थाओं में देशी तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से जो रोगी का उपचार किया जाता है और किसी रोग का निदान किया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। और तमाम जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग स्टॉल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जो इसकी जो चिकित्सा प्रणाली है उसके बारे में अवगत करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति काम करती है हमारे शरीर पर, ये तमाम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर्स दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह जैसे ही जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचे तो जोरदार उनका स्वागत हुआ था और तमाम जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के जो अधिकारी थे वो उनको पुष्प देकर यहाँ पर उनका स्वागत किए थे। और अभी फिलहाल जो जगदीप जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनके साथ मौजूद है जो केंद्रीय आयुष मंत्री महेंद्रजीत सिंह जो पोंछपुरा वो भी उनके साथ मौजूद है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है जो विद्यार्थियों के साथ संवाद होगा जिसमें जगदीप जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो जुड़ेंगे और ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में जो ऑडिटोरियम है उस ऑडिटोरियम में जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और एक जो अभी के समय में किस तरह से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली देश और दुनिया में जिस तरह से जो काफी फैल रही है, फल फूल चुकी है, तो उसके बारे में किस तरह से जो उपचार किया जाता है और कितनी कारगर ये चीज होती है इसको लेकर भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर संवाद करेंगे। और जो आयुर्वेदिक को लेकर किस तरह से आगे स्कोप है और किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि जो भारतीय परंपरा जो चिकित्सा पद्धति है इसको एक जो परंपरा है ये एक जो आधुनिक काल से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से इलाज किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी और इसको किस तरह से जो देश विदेश में चीजों ख्याति इसको और ऊंचा किया जाए इसके बारे में भी एक संवाद होगा, एक चर्चा की जाएगी। जी ऋषभ बिल्कुल सुनील, क्योंकि अभी अगर देखें बीते दिनों भी तो लगातार उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं और हम उनसे हर तरह की बात वो शेयर भी करते हैं अपने जमाने की भी और इस समय क्या परिवर्तन हुए हैं इसको लेकर भी, तो आज भी इस तरह का संवाद देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल ऋषभ, हम लगातार देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है ये काफी जो एक जो जमीनी बातें जो होते हैं जमीन से जुड़े जिस तरह के जो छात्र हुए किसान हुए इन इनकी बातें लगातार करते रहते हैं और खास तौर पर जो शिक्षा है एजुकेशन को लेकर काफी गंभीर यहाँ पर दिखाई देते हैं और लगातार हर जो कार्यक्रम होता है खासकर जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है उनमें लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचते रहते हैं और लगातार जो विद्यार्थियों को किस तरह से जो पढ़ाई महत्वपूर्ण है जीवन में और किस तरह से जो पहले पढ़ाई होती थी और वो पढ़ाई जो तकनीक के साथ आज इस स्तर तक पहुंच चुकी है उसके बारे में तमाम पहले से लेके आज तक के जो पूरा एक जो लंबी जो एक कहानी है उसको यहाँ पर बयां करते हैं और जो अभी के जो जनरेशन है उसको पुरानी जो जो स्ट्रगल थे उनके बारे में भी बताते हैं और आज जिस तकनीक के साथ और जिन सुविधाओं के साथ पढ़ाई हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और लगातार जो पढ़ाई के माध्यम से अपना खुद का जो देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जो एक जो परचम लहराया जा सकता है उसके बारे में विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन यहाँ पर देते हैं, लगातार विद्यार्थियों में जो एक जोश भरने का काम करते हैं उसी तर्ज पर आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है इसमें भी जगदीप धनखड़ पहुंचे और यहाँ भी जो मुख्य कार्यक्रम यही है कि विद्यार्थियों के साथ जो छात्र हैं जो आयुर्वेदिक जो स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक संवाद करेंगे और यहाँ भी यही बताएंगे कि जिस तरह से देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों में आयुर्वेदिक चिकित्सा है उससे लोगों का मोह भंग हुआ था लेकिन अभी वापस से एक जो क्रेज लोगों में
होता है कि आयुर्वेदिक संतवासी जो देसी तरीके से और बिना किसी नुकसान पहुंचाए जो लोगों को फायदा करती है, और जो छात्र भी जो आजकल आयुर्वेदिक की जो आयुर्वेदिक पढ़ाई पढ़ने में काफी जो रुचि रख रहे हैं, लगातार हर जगह जो देखते हैं कि जो आयुर्वेदिक संस्थान वहां पर लगातार जो सीटों की संख्या वो भर रही है, और लोग जो छात्र है जो युवा है वो बढ़ चढ़कर आयुर्वेदिक जो स्टडी है उसमें रुचि ले रहे हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर विद्यार्थियों में एक मैसेज देंगे, उनको एक संदेश देंगे, उनसे संवाद करेंगे कि किस तरह से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली जो भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है वो किस तरह से जो उपयोगी है, और पूरी दुनिया की नजरें क्यों आयुर्वेदिक चिकित्सा पर टिकी हुई है, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लगातार जो विद्यार्थियों के साथ एक जो सार्थक और एक पॉजिटिव सकारात्मक संवाद यहाँ पर जगदीप धनखड़ करते रहते हैं, और आज भी उसी तर्ज पे एक सकारात्मक संवाद होगा जिसमें आयुर्वेदिक की जो खूबियां हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो प्रभाव है उसके बारे में रूबरू होंगे, और कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो ख्याति मिल चुकी है ख्याति को और ऊंचा कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी यहाँ पर छात्रों से संवाद करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल जो ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स है यही बता सकते हैं कि किस तरह के जो चैलेंजेस आयुर्वेदिक जो पढ़ाई में आ रहे हैं और कैसे इनसे निपटा जाए, इस पर भी यहाँ पर बातें होंगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक जो सकारात्मक जो कोई चर्चा होती है उसका परिणाम भी सकारात्मक निकलता है, तो वही सकारात्मक परिणाम निकलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी। बिल्कुल सुनील, अगर क्योंकि देखें तो जो प्रत्येक स्टॉल लगाए गए हर एक स्टॉल पर वो पहुंचकर वहां पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, विद्यार्थी हैं आयुर्वेद के, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और आप सभी छात्रों को छात्र छात्राओं को का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर 8 से 10 जो अलग अलग जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की स्टॉल्स लगी हुई हैं, और हर स्टॉल में जगदीप धनखड़ उनका निरीक्षण किए हैं, उनका अवलोकन किए हैं, और वहाँ पर मौजूद हर स्टॉल पर जो मौजूद है जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स मौजूद है उनसे चर्चा किए, उनसे बातचीत किए, और स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो हर एक अलग पद्धति होती है, जिस तरह से जो एलोपैथ में जो पद्धतियाँ होती हैं अलग अलग, किस तरह से जो किसी रोग का निदान किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से रोग का निदान होगा इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, तो यहाँ आयुर्वेदिक में इसको जो अलग अलग क्रियाएं बताई जाती है, अलग अलग कर्म बताए जाते हैं, तो जिनमें जैसे पंचकर्म हुआ, क्रिया शरीर हुआ, सिमुलेटेशन लैब हुआ, इसके अलावा रचना शरीर, ऐसे तमाम जो 8 से 10 स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है, हर एक स्टॉल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, और जो कार्य प्रणाली है जो किस तरह से ये अलग अलग पद्धतियां हमारे शरीर पर काम करती हैं और इन पद्धतियों का कैसे लाभ मिलता है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो आयुर्वेदिक छात्र उनसे बातचीत किए, और छात्रों ने काफी अच्छे ढंग से जो जगदीप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनको बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग क्रियाएं हमारे शरीर में काफी उपयोगी हैं और बिना किसी जो दवाई है उसके यहाँ पर जो इलाज किया जा सकता है, शरीर को निरोगी रखा जा सकता है, तो ये पूरा। और अभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सभागार है NAI का जो ऑडिटोरियम है जिसमें संवाद होगा उसमें एंटर कर चुके हैं, और अंदर काफी बड़ी संख्या में जो आयुर्वेदिक छात्र वहां मौजूद है, और कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखाई, वहां पर तमाम जो स्टॉल्स लगाए गए थे उनका निरीक्षण उन्होंने किया और छात्र छात्राओं के साथ तस्वीरें भी खिंचाई उन्होंने। अब कुछ ही देर में संवाद छात्र छात्राओं से करेंगे।